टू द स्टेज और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और ये लिंक को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग ऑन 8-10, 8-10 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो अभी पैटर्न चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रेटेजी होता है ट्रेडिंग में, बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि कैसे ट्रेडिंग किया जाए, उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। और उसको मैं भी दिखाऊंगा आपको लाइव ऑन यूनिटेक्स के ऊपर, जहां पे भी हम लोग का ट्रेडिंग चल रहा है सीआरयू, कि जो पैटर्न है ये क्या शो करता है, एक्चुअली क्या बेसिक चीज बताता है, और यहाँ से कैसे स्टॉक मूवमेंट होता है और मूवमेंट कैसे किया जाता है, और उस मूवमेंट में हम लोग का आज एक ट्रेडर, आज एक ओनर क्या रोल रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज कीप हैव पेशेंस, और उसके बाद जो अपडेट आएगा, आपको ये जो अपडेट आगे चल के आपको कैसे मुनाफा देगा, आपका एक्स को 10x में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो रमेश कुमार सर, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड प्लीज कंटिन्यू। Are you listening me? रमेश कुमार सर, आपका आवाज आ नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट करिए अपने तरफ से। और भी दो पोस्ट मेरे साथ हैं, उससे पहले मैं वेलकम करूंगा मनोहर चौहान सर का। मनोहर चौहान सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्कार आलोक जी, थैंक यू सो मच। आई कैन स्विच, मैं अपना कैमरा स्विच ऑफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी रास्ते में हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू, सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम मनोहर चौहान है, बेस्ड ऑन दिल्ली। आज जैसे आलोक सर ने बताया, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, हम किस मुकाम पे आज पहुंचे हैं और हम आगे क्या हमारा रोड किस तरीके से हम काम करेंगे जो ट्रेडिंग के बारे में। जस्ट ऑफ, सबसे पहले मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमारा सीआरयू का 3rd बर्थडे था, उसके लिए सभी लोगों को बधाई। और उसके बारे में आलोक सर ब्रीफ करेंगे, बिकॉज मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा हूँ। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू, हैव पेशेंस फ्रेंड्स। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे और मैक्सिमम नंबर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो सभी लोग एक साथ में काम करने के लिए आगे और मोटिवेटेड होंगे। थैंक यू, थैंक यू आलोक सर, थैंक यू वेरी मच मनोहर जी। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मनोहर सर ने बताया कि 3 साल हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है, उसके तहत उसके अंदर बहुत सारे चीजें हम लोग को देखने को मिला, जब हम लोग को सीआरयू पॉइंट मिला हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग एक नया रूपरेखा और नया एक अंजाम उसको एक एक्सचेंज में लाए, ब्लॉकचेन पे उतारा गया, फिर हम लोग को उसके अंदर यूएनटी भी मिला, धीरे धीरे डब्ल्यू शेयर में कन्वर्जन करने का उसका भी हम लोग को चांसेस मिला, उस डब्ल्यू शेयर यू सीआरयू धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बनता गया, उसके ऊपर काम करते गए और देखते ही देखते 3 साल कंप्लीट हो गया। सो ये 3 साल में काफी चीज हम लोग को सीखने के लिए मिला इस मार्केट के बारे में, और बहुत सारा एजुकेशन भी हम लोग को मिला कि इस मार्केट में अगर काम करना है, इस मार्केट में अगर रहना है, कुछ सीख भी हम लोग को मिला। ये सारे जो सीख हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग उसको एक्सपीरियंस के तौर पे अपने साथ हम लोग अपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं, उस एक्सपीरियंस के साथ। और भी जब आगे प्रोजेक्ट आएगा, जितने भी सारे प्रोजेक्ट आगे आने वाला है, उस एक्सपीरियंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं बल्कि उस क्रैक्स जो रहता है कि हम लोग जमीन तौर से स्टार्ट ना करके विथ एक्सपीरियंस हम लोग स्टार्टअप करेंगे। तो उसी के साथ आगे चल के हम लोग जो सीआरयू के ऊपर अभी जो फिलहाल जो ट्रेंडिंग चल रहा है बात करेंगे। अभी रमेश कुमार सर आ चुके हैं, सो प्लीज रमेश कुमार सर प्लीज कंटिन्यू। और भी बहुत सारे दमदार लीडर हम लोग के साथ जुड़ेंगे, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा अकॉर्डिंग जो एवरेज इकोसिस्टम का जो एक ब्यूटीफुल सिस्टम है, जिसके तहत आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी वीक डिफरेंट लीडरों से आपको मिलता रहता है। उस इंफॉर्मेशन को आप एस्केलेट करिए आपके डाउनलाइन, आपके ऑफलाइन,
और भी सारे हम लोग स्ट्रेटजी अभी बना रहे हैं कि कैसे सीआरयू को हम लोग एक अच्छा खासा प्राइस में लेके जा सकते हैं और उस प्राइस के ऊपर उसको सस्टेन करवा के उस हम लोग जो अपने पास एसेट रखे हुए हैं उसका एक अच्छा खासा वैल्यू हम लोग को मिले, क्योंकि हम लोग जब शुरुआती तौर में इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे हम लोग का जो एम, हम लोग का प्रोस्पेक्टिव और बहुत सारे चीज को लेके हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, जो कि आगे चल के हम लोग को बहुत ही मुनाफा देने वाला है। और कैसे देगा उसका एक स्ट्रैटर्जी होता है। हर चीज को आप अगर सोचिएगा कि कोई भी चीज मार्केट में आपको तुरंत मुनाफा देगा और मार्केट से आप तुरंत मुनाफा कमा लेंगे, तो ये नहीं होता है। एवरीथिंग इट हैज अ पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से चलता है, उस पैटर्न को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। आज हम उस पैटर्न के बारे में जानेंगे कि जो पैटर्न आपको क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, कि उस इंडिकेटर क्या आपको बता रहा है कि आगे चल के क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको लाइव शेयरिंग करके ही बताऊंगा। तो उससे पहले रमेश सर आप प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि आगे चल के लोगों के साथ हम लोग बात कर पाए। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार आलोक जी, क्या मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? यस, आवाज आ रहा है, कंटिन्यू करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है। जैसे कि आप जानते हैं मैं इंडिया हरियाणा से हूं और 2017 से इवोरिच इको सिस्टम का भाग हूं और मैं इस कंपनी में लोकल लीडरशिप काउंसिल्स ऑफ इंडिया में पार्ट हूं और मैं कंपनी को बिल्कुल डीपली जो है स्टडी करता हूं और उसको जो है जानता हूं और मैं उस पे जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मेरे माध्यम से, आप लोग फेसबुक पे भी जो है काफ़ी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि अगर आप लोगों को वहां से फ़ायदा हो रहा है तो कृपया मुझे एक दबाकर पुष्टि करें वहां से, क्योंकि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन डीप जो है इकट्ठा करता हूँ इन्फॉर्मेशन और उसको मैं फेसबुक पे जो है अपलोड करता हूँ और वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप या ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे भी मैं जो है बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आज हो क्या रहा है, इवोरिच इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। तो काफ़ी न्यूज है हमारे पास और काफ़ी अपडेट है और क्या क्या बदलाव हुए हैं वो सब आज हम आपके सामने जो है प्रैक्टिकल उस के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कंपनी क्या क्या गिफ्ट लेके आ रही है हम सब के लिए और कंपनी के जो सीईओ है कितने उदार हैं, कितने उन्होंने जो है दयालु है, जो कि हर समय जो है गिफ्ट देने में जो है वो लगे हुए हैं कि हमें जो है वो गिफ्ट बार बार जो है गिफ्ट देते हैं। तो साथ में हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन जो उन्होंने दी है और साथ में हमें जो है गिफ्ट भी दे रहे हैं और साथ में जो है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसको डीपली आप जो है पढ़िए और इसको समझिए। आज आप लोगों के सामने कुछ अपडेट हैं जो कि आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मेरे साथ होंगे आलोक प्रसाद मिश्रा जी और जो कि डीप जानकारी लेके आए हैं हम सब के लिए और आज आपके सामने जो है प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने जो है सारी जानकारियों को हम जो है इकट्ठा करके लेके आए हैं और पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। और साथ में हमारे गेस्ट होंगे रत्नाकर पलाई सर, जो कि आप लोगों को जो भी नई अपडेट है ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट और सीआरयू को कैसे जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएंगे और काफ़ी न्यूज है हमारे पास, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आलोक जी आप कंटिन्यू करें और आपका जो है पार्ट आप जो है स्टार्ट करें इसको। थैंक यू आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों मैं आपको चैट में एक फॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूं जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, जब आप इसके बारे में जानेंगे कि आंद्रे सर हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एजुकेशन के तहत हम लोग को जो उनको जो बार बार बहुत सारे देश को घूमना पड़ता है, जितने भी देश वो घूम रहे हैं, तो जितने भी उनके देश से जो भी पुलिस सर्विस से जो भी
अथॉरिटीज हैं उनको बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्यों बार बार इतने देश घूमना पड़ रहा है, आपका क्या ऐसे काम है। जैसे आप भी अगर बार बार बहुत सारे देशों में विजिट करेंगे तो आपका जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, जो जो भी कस्टम डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्यों इतना बार बार सारे देश में घूमना पड़ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई यू आर मूविंग ऑल दोस कंट्री फ्रीक्वेंटली। तो उसके बारे में हम लोग को जो एपीआई के तहत हम लोग को जो एजुकेशन देने के लिए हर जगह घूमने को जो पड़ रहा है आंद्रे सर को, तो ये जो गूगल फॉर्म आपको चार्ट में प्रोवाइड किया गया है, प्लीज फिल अप दैट फॉर्म। अगर आप सोच रहे हैं कि जो एजुकेशन देने के लिए वो बार बार घूम रहे हैं, तो वो जो घूमने से उनको जो क्वेश्चन और जो भी दुविधा आज आन पड़ी है, हम लोग उस दुविधा को उन लोग को उनका जो दुविधा है उनको हम लोग को हेल्प करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करते ही जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, जो भी कंट्री से आप बिलोंग्स करते हैं, आप अगर बार बार कहीं पे घूमते हैं, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है उनको वो इजीली आंसर कर सकते हैं, जो भी उनके पास प्रॉब्लम आया हुआ है। सो प्लीज वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हम लोग आप अपने ग्रुप में, आप अपने डाउनलाइन में, आप अपने अपलाइन में, जितने भी लोग हैं जहां पे भी आप कहीं से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और इस एपीआई एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जहां से आप एजुकेशन ले रहे हैं, सो प्लीज फिल दिस फॉर्म आउट सो दैट उनको ये हेल्प मिले। और जो एजुकेशन देने के लिए वो सारे देश में घूम रहे हैं, फिर से उनका आना जाना स्वाभाविक हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्म। एंड द सेकेंडरी थिंग, मैं आपको जैसे आज मैं बता रहा था कि आपको आज मैं बताऊंगा कि हम लोग अभी कौन से सिचुएशन में है, जो अभी आप गोविंद चौहान सर आप हैंड रेज किए हुए हैं, प्लीज आप लोअर हैंड कर लीजिए। जब एंड ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा, आपको चांस दिया जाएगा आप अपना क्वेश्चन रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो जैसे दोस्तों आपको बताया गया कि हम लोग इंडिया के ऊपर एक अभी ग्रुप बनाए हुए हैं, जो कि सीआरयू का जो प्राइसिंग, कोई भी मार्केट में अगर क्रिप्टो बोलिए, स्टॉक बोलिए या सिक्योरिटी बोलिए, जब ट्रेडिंग होता है कोई भी इकोनॉमिकल और कोई भी अगर क्रॉस कंट्री में प्रॉब्लम आता है, स्टॉक के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट देखना चालू हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्री अभी आप देख रहे हैं, जितने भी सारे बहुत बड़े बड़े कंट्री है, अभी पॉलिटिकल इश्यूज को लेके बहुत ही भूचाल आया हुआ है, आप जानते होंगे थ्रू द न्यूज और आप अपडेट ले रहे होंगे। तो उसके चलते बने जो भी स्टॉक के प्राइस में अप एंड डाउन होता रहता है, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे पॉलिटिकल बायलेटरल एग्रीमेंट, उसके तहत आपका बार बार रिव्यू किया जाता है, उसी हिसाब से ये स्टॉक मार्केट भी आज ही फंडामेंटल अगर एनालिसिस किसी का किया जाए कोई भी स्टॉक का, तो उसी के चलते बने प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। तो दिस इज ए वेरी, आप अगर बोलेंगे ये जनरल सिचुएशन है फॉर ऑल ऑफ ऑल, जितने भी सारे मार्केट में है उनके लिए। सो हम लोग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हुए हैं। लोग सोच रहे होंगे इट्स ए प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, बट ये प्रॉब्लम नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस प्रॉब्लम के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है और उसके बारे में आपके साथ में साझा करूंगा जब आपको यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर लेके जाऊंगा और कुछ स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि प्राइस एंड एक्शन, ये दोनों के अंदर एक स्ट्रैटेजी छुपा होता है ट्रेडिंग में। जब ट्रेडिंग किया जाता है, प्राइस एंड एक्शन को लेके ही ट्रेडिंग किया जाता है। ये जो प्राइस एंड एक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरीवन। सो जस्ट आपको मैं दिखाऊंगा, अभी मैं शेयर स्क्रीन करता हूं ताकि आप लोग देख पाए कि यूनिटेक्स के ऊपर क्या पैटर्न अभी बना हुआ है। उससे पहले मैं अरुपम सर को रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर अरुपम जेना सर, प्लीज शेयर द ग्रुप लिंक, जो टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, जिसमें हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके सीआरयू, जो अपने पास एसेट है, उसके वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। वहां पे ना कोई आपको कंपनी अपडेट मिलेगा, क्योंकि कंपनी का अपडेट देने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को से बनाए हैं। उस ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहा, और जैसे आपको रमेश सर ने बताया कि फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे अपडेट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चैट बना हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैट भी बनाया, जिसके ऊपर आपको ये सारे के सारे अपडेट मिल जाते हैं।
तो ये जनरली जो ग्रुप हम लोग ने बनाया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा जिसके तहत हम लोग ट्रेड करके सीआरयू से एक अच्छा खासा अर्निंग ले सके। आप अगर आज सोचिए, आप अगर कहीं पे एक जमीन खरीदे हुए हैं और कोई भी असेट आप खरीदे हुए हैं, उसका प्राइस अगर थोड़ा डाउन जाता है, कोई भी सिचुएशन, आप किसी जगह पे एक जमीन खरीदे हुए हैं, वहां पे कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ जाता है, जिस जगह पे आप खरीदे हुए हैं उस जगह को अगर कोई ग्रीन जोन डिक्लेयर कर देता है या कुछ एलोजन या भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस जमीन का प्राइस नीचे आ जाता है। और उस टाइम में आप क्या करते हैं, उस कम पैसे में क्या आप अपना जमीन बेच देते हैं या वेट करते हैं कि सिचुएशन सही हो, फिर हम लोग अपना जो एसेट है उसको बेचेंगे। सो अगर आप कम दाम में आप अपना जमीन और एसेट जो भी आपके आपके पास है, जब प्राइस और वैल्यू उसका डाउन जाता है, क्या आप उसको बेच देते हैं? अगर बेच देते हैं तो प्लस वन करके दबाइए, अगर नहीं बेचते हैं प्लस टू करके दबाइए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरफ अभी मोड़ रहे हैं और ये जो सिचुएशन हम लोग को क्या, ये जो साइन दिखा रहा है कि हम लोग कहां जाएं। प्लीज पुट फास्ट, आप बेचेंगे या रखेंगे जब आपका एसेट का प्राइस नीचे हो? व्हाट एग्जैक्टली यू डू विथ योर ओन एसेट, जो भी आपके पास एसेट है? दोस्तों आपका कोई भी आंसर चैट में नहीं है, शायद आप ये समझ नहीं पाए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान के चलिए आप मार्केट से गोल्ड परचेज किए हुए हैं, आज गोल्ड का प्राइस 5000 पर ग्राम के हिसाब से चल रहा है, राइट? अगर गोल्ड का प्राइस 3000 हो जाता है, क्या आप अपने गोल्ड को बेच देते हैं? अगर बेच देते हैं तो प्लस वन करिए, अगर नहीं बेचते हैं तो प्लस टू करिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यूनिटेक्स के ऊपर लेके कि यूनिटेक्स में क्या चल रहा है और यूनिटेक्स अभी क्या बता रहा है, जो अपना चार्ट, जो ट्रेंडिंग का चार्ट और जो ट्रेडिंग का चार्ट क्या बता रहा है आपको, आपको अभी क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके दोस्तों, तो चार्ट को मैं एनेबल कर दिया हूं सबके लिए। यू कैन राइटली आप चार्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं अभी कि ये जो पैटर्न अभी बना हुआ है क्या पैटर्न बता रहा है हम लोग को। तो दोस्तों ये आपको मैं लेके आया हुआ हूं यूनिटेक्स के ऊपर, आप देख पा रहे हो। जो भी कोहोस्ट है प्लीज मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अलाउ करिए जो भी आ रहा है, ताकि हम लोग इजीली लोगों को दिखा पाए जो अभी चल रहा है पैटर्न उसके बारे में। और मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ये जो ट्रेंडिंग लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन में खुद ही खींचा हुआ हूं, इसका मतलब भी आपको लेके मैं स्लाइड में समझाऊंगा दोस्तों। तो ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, जो हायर हाई गया हुआ था अपना जो एसेट का जो पोजिशन, जैसे हम लोग ये जो ट्रेंड बना हुआ था, यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां से जो ट्रेंड बना हुआ था धीरे धीरे हाई और हाई हाई जाके यहां तक पहुंचा हुआ था। जब यहां तक ये प्राइस पहुंचा हुआ था, जो प्राइस आपको दिखाई जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है,
0.57 ऑफ टू 0.58 तक चला गया। तो अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो प्राइस धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आया हुआ है, लो लो लो, क्योंकि यहां पे लोगों को पैनिक सेलिंग लोगों ने करना चालू कर दिया। तो यहां से धीरे 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 प्राइस फिर नीचे आता गया, फिर नीचे आता गया, जो कि यहां तक आना चाहिए था, जो कि ये था उसका सपोर्ट लेवल, उससे नीचे फिर आता गया, फिर नीचे आ चुका है। मतलब यहां पे हुआ ब्रेकआउट, यहां से आया है नीचे, ब्रेकआउट से अगर नीचे आ जाता है जो पोजीशन अभी आ चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग लाइन में लगाया हुआ हूं, ये है उसका जो सपोर्ट लेवल, यहाँ पे रेजिस्टेंट लेवल, हायर रेजिस्टेंट लेवल आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंट क्या है और ये सपोर्ट क्या है। आप अगर देख पा रहे हैं ये जो रेजिस्टेंट लेवल है उसके बारे में मैं आपको जब स्लाइड दिखाऊंगा आपको समझाऊंगा। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये कोई बना बनाया नहीं है, ये आप यूनिटेक्स के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है और उसके ऊपर में ट्रेंडिंग लाइन बनाया हुआ, आप भी बना सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं कैसे ये बनता है और कैसे ये होता है। आप लोगों को जो अभी हम लोग टेलीग्राम के ऊपर जो चार्ट बनाया गया है वहां पे डिटेल आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूं रुके, जिसके बारे में आपको साथ बात करूंगा। ये एक्चुअली जो ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड क्या बता रहा है हम लोग, एक सेकेंड रुके। इसे बोला जाता है ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, अगर मेरा स्क्रीन आपको आ रहा है प्लीज चैट में प्लस वन करिए, या तो कोई अनम्यूट होके बता सकता है अगर मेरा स्क्रीन आपको आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है आलोक जी, आप कंटिन्यू करें। तो दोस्तों ये जो टेक्निक अभी अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूनिटेक्स के ऊपर, इसको बोला जाता है प्राइस एक्शन टेक्निक। जब प्राइस कहीं पे चेंजेस होता है, आज ए ट्रेडर, आज ए जो भी हम लोग आज अपने एसेट को रखे हुए हैं, वहां पे हम लोग को एक्शन लेने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए इस प्राइस एंड एक्शन टेक्निक के बारे में चलिए जानते हैं। प्राइस एंड एक्शन जनरली होता क्या है, ये एक्चुअली मूवमेंट होता है, कोई भी अगर ट्रेड हो रहा है वहां पे एक मूवमेंट शो करता है कि आपको पास जो कमोडिटी है, आपके पास जो स्टॉक है, आपके पास जो एसेट है, वहां से आपको एक फॉर्मेशन बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। एक ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए आपका पास टाइम आ चुका है। मैं आपको इसके बाद दिखा रहा हूं, ये जो मैं आपको दिखा रहा था लाइव, यहां पे आपको दिखाऊंगा मैं कि जो एक्चुअली लाइनिंग बना हुआ है ये क्या है लाइनिंग। जैसे मैं आपको बता रहा था सबसे हाई और हाई जो आप देख पा रहे हैं, हाई और हाई जाके ये 57-58 तक गया हुआ था जो था रेजिस्टेंट लेवल इसका। आज तक सबसे हाई जब मार्केट से स्टार्ट हुआ है, ये जो ग्राफ आप अपने ऊपर देख पा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, ये सबसे हायर हाई में था। तो यहां से क्या हुआ, जब पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता गया। ये एक एक दिन का कैंडल है आप देख पा रहे हैं, एक एक महीना ये आप है। अब जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है उस चार्ट को मैं वहां से स्क्रीनशॉट करके फिर उसके ऊपर बनाया हुआ। So, दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंट लेवल के पास पहुंचा हुआ था, उस रेजिस्टेंट लेवल से अगर वो ऊपर जाता तो ये ब्रेकआउट होकर स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जाता। अगर वो रेजिस्टेंट लेवल जो हायर हाई का रेजिस्टेंट लेवल बना हुआ है वहां से नीचे आया हुआ है, तो ये जो ट्रेंड बना हुआ है, ये जो ट्रेंड आप देख पा रहे हैं इसको आप लोअर ट्रेंड और ये हाई ट्रेंड है। ये जो हायर ट्रेंड में आप देख रहे हैं हायर हाई और ये उसके बाद लोअर ट्रेंड बना हुआ है, जो कि यहां तक इसका सपोर्ट लेवल था जो कि 33272 आप देख पा रहे 0.33272। वहां से फिर सेलिंग होना चालू हुआ, फिर वहां से जब सेलिंग होना चालू हुआ फिर से आप देख रहे हैं यहां पे सपोर्ट लेवल 1 था, यहां पे देखिए सपोर्ट लेवल 2 था। जब सपोर्ट लेवल कैसे किया जाता है और रेजिस्टेंट लेवल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं टेक्निकल सेशन में आपको बताऊंगा। ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं लोअर लो का, ये जो ट्रेंडिंग लाइन आप देख पा रहे हैं
ये सबसे नीचे, इसके बाद सबसे नीचे यहां पे आया हुआ था, ये जो कैंडल स्टिक आप देख पा रहे हैं, तो उससे नीचे पहले जब सपोर्ट लेवल वन को वो तोड़ दिया, वहां से ब्रेकआउट होके यहां पे पहुंच के अभी लोअर लो पॉइंट इस पोजिशन में आ चुका है, जो अभी ट्रेड हो रहा है आप देख पा रहे हैं 16 समथिंग में। तो दोस्तों ये हम लोग को अभी बता रहा है यहां से प्राइस एक्शन का जो स्ट्रेटजी है यहां से हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम में, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाए कि कैसे आप अपना एसेट जो जिसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, आप नया पोर्टफोलियो इसमें ऐड करके जो भी आपका सेविंग्स अमाउंट है 0, 1, $2, $3, $1 व्हाटएवर इट मे बी, उसको आप कैसे 10x में कन्वर्ट कर सके और कैसे उसको 20x में कन्वर्ट कर पाए, आपको वहां पे स्ट्रेटजी दिया जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जो हायर लो में आके पहुंच चुका है स्टॉक, यहां से अगर इस ब्रेकआउट सेशन से हम लोग अगर बाइंग करना चालू कर दें तो धीरे धीरे मार्केट जब ऑफ ट्रेड जाएगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आप देख पा रहे हैं, जब तक यहां तक 33 तक पहुंच जाएगा, जितने भी सारे एक्सचेंज जैसे आप जान रहे कि आप हम लोग यूनिटेक्स पर भी है, एल बैंक पर भी है, लोकल ट्रेड के ऊपर भी है, आगे चल के P2P D2B में भी आ रहा है, धीरे धीरे करके कोइनगेको पे भी आएगा, जैसे आपको आर्मेंट सर ने बताया हुआ है, धीरे धीरे करके और के एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा। वहां से जब कम्युनिटी इस पैटर्न को देखेगा और इस पैटर्न को जब वो लोग समझ पाएंगे, क्योंकि जितने भी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो लोग पैटर्न के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, तो अभी जो ये पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग अपना स्ट्रेटजी लगा के धीरे 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 हर कोई जितने भी हम लोग के पास असेट है 0, 1, $1, $2, $3 ईच डे अगर हम लोग यहां से बाइंग पैटर्न करना चालू कर दें, तो जो भी प्राइस जो भी असेट आपके पास है उसका तो वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आज भी जो जो असेट आप खरीदेंगे उसका वैल्यू कुछ ही दिन में आपको 10x 20x के वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट आज जो मैं आपको अपडेट देने वाला था, तो आगे चल के उस चैनल में आप जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत ही जो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी है आपके साथ मैं शेयर कर पाऊं और सारे के सारे डिटेल्स आपको मैं वहां पे दिला पाऊं। थैंक यू वेरी मच। शायद रत्नाकर सर भी आ चुके हैं, रत्नाकर सर प्लीज कंटिन्यू, उसके बाद एक एक करके हम लोग अपडेट देते रहेंगे। रत्नाकर सर आर यू देयर? थोड़ा सा मतलब पहुंच नहीं पाया, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए और 10-15 मिनट टाइम दीजिए, मैं जॉइन करूं। ओके 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 रमेश सर, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ आलोक जी, आपने सही बोला है कि जो ट्रेडिंग की जो एजुकेशन है जो कि हमारे पार्टनर को नहीं है, और उनको ट्रेडिंग की एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। अगर CRU के रेट को आप अप करना चाहते हैं या यदि आप CRU के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग की एजुकेशन बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना गया है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं और उसमें आप स्ट्रेटजी जो है कि कैसे CRU को जो है पंप किया जाए और कैसे उसको जो है ट्रेडिंग के माध्यम से आप सीख कर अपने एसेट्स को कैसे आप जो है एक गुना दोगुना कर सकते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी में अगर आप सीख जाते हैं ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, CRU की ट्रेडिंग और कोई भी आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग, उस स्ट्रेटजी में सभी क्रिप्टो की ट्रेडिंग आती है, तो आप जो है आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो आपका वेलकम है उस ग्रुप में जो कि टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, तो सभी उसको ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेटजी को समझ ही नहीं पाएंगे कि CRU को अप करने की स्ट्रेटजी है क्या। तो मैंने भी जो है मैंने भी एक्सचेंज पे देखा था, लोकल ट्रेड एक्सचेंज पे, जिसमें किसी व्यक्ति ने दो CRU को सेल कर रखा था और उसमें बिड लगाई हुई थी लगभग 70 पैसे की। बताइए, उनको नॉलेज भी नहीं है कि कैसे कैसे जो है ट्रेडिंग की जाती है। वो अब दो CRU उसके पास केवल है और उसने बिड लगा दी कि मैं 70 पैसे में बेच रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। और जैसे कि आलोक सर ने बताया कि बिल्कुल एक ग्रुप को बना दिया गया है जिसमें आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाई जा रही है कि कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे आपने लॉट कैसे आपने जो है CRU के लिए आपने कैसे
ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी वहां पे आपको मिलेगी और वहां पे आपको सीखना होगा और तभी जो है आप सीआरओ के रेट को इंक्रीज कर पाएंगे। तो स्वागत है सभी का और सभी आए उस टेलीग्राम ग्रुप में और सभी सीखे ट्रेडिंग का फार्मूला क्या है और सीआरओ को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और सेकंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही पहला गूगल फॉर्म जो दिया गया था आलोक जी के द्वारा, जिसमें आपको बताया गया था कि अंडरई सर जो है अपने ही देश में जो है उनको जो है अपने ही देश की एजेंसी जो है पूछ रही है कि आप जो है बाहर अदर कंट्रियों में बार बार जो है आप जाते हैं, तो उस पर भी जो है एक गूगल फॉर्म आया हुआ है और उन्होंने अंडरई सर ने बोला है कि मैं निजी निवेशक अकेडमी है जो कि मैं शिक्षा के लिए फॉरेन कंट्रियों में जाता हूं और उसके लिए भी जो है एजेंसी मांग रही है कि आप जो है अपने स्टूडेंटों का फीडबैक दीजिए। तो दोस्तों मैंने तो अपना फीडबैक जो है गूगल फॉर्म में भर दिया है क्योंकि मैं एपीआई का स्टूडेंट हूं और मैं 2017 से एपीआई का स्टूडेंट हूं, मैंने अपना फीडबैक दे दिया है और मैं जितने भी मेरे जो साथी हैं मेरे जो पार्टनर हैं मैं सबको सजेशन कर रहा हूं कि आप जो है अपना फीडबैक दें। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो उनको जो है रिलीफ के लिए फीडबैक देना बहुत जरूरी है क्योंकि डाटा जब जाएगा कि सभी कंट्रियों से जो कि 180 कंट्री है जो कि अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के स्टूडेंट हैं 180 कंट्री में, तो 180 कंट्री का डाटा जब जाएगा एजेंसी के पास तो वो जो है बिल्कुल समझे गए कि जो है ये शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं और इनके जो लक्ष्य हैं बहुत बड़े हैं और 15% जो सामान्य व्यक्ति हैं जो उनको जो है 15% पूरी दुनिया के सामान्य व्यक्ति को जो है ये एजुकेट करने का इनका जो मिशन है जो विजन है तो उसको ही वो पूरा करने में लगे हुए हैं और उसी को ही वो जो है वहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में वित्तीय साक्षरता के ज्ञान को फैला रहा हूँ और मैं इस ज्ञान के माध्यम से जो है लोगों को बहुत फायदे हो रहे हैं और उसी का फीडबैक आपसे लिया जा रहा है। मैंने अपना फीडबैक दे दिया है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा और अपील करूँगा और कि आप जो है उस गूगल फॉर्म को भरें और उस गूगल फॉर्म में जो है जो आपने सीखा है जो आपने ट्रेनिंग ली है जो आपको उससे एपीआई की एजुकेशन से लाभ हुआ है उसको आप मेंशन करें और अपने आप करें और अपने दोस्तों से जो भी एकेडमी के स्टूडेंट हैं जो टीम में है उनकी हेल्प करें कि उसको जो है उस गूगल फॉर्म को कैसे भरा जाए। यदि किसी को भरने में कठिनाई हो रही है और जो समझ नहीं पा रहा है तो वो जो है सीधा मुझे फोन कर सकता है जो कि मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर दे सकता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें इस गूगल फॉर्म को भरना चाहिए, तो पहली यही अपडेट जो है मैं आपको देना चाहता हूं। और दूसरी अपडेट मैं आपको ये देना चाहता हूं कि एक गूगल फॉर्म आया हुआ है जिन व्यक्तियों के सीड फ्रेज बोल रहे हैं कि चोरी हो गए थे या फिर जिन्होंने खो दिए हैं या फिर कोई भी कारणवश से वो अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं अपने ब्लॉकचेन अकाउंट पे, तो उनके लिए गूगल फॉर्म आया हुआ है और सभी ग्रुपों में मैंने उसको सेंड किया था, अपने फेसबुक पे भी अपलोड किया था, टेलीग्राम में अपलोड किया था, हर जगह उसको अपलोड किया गया है। जो भी वंचित है और जो भी पहुंच नहीं बना पा रहा है किसी भी कारणवश से अपने ब्लॉकचेन अकाउंट पे तो जरूर उस गूगल फॉर्म को भरिए, तो उसमें आप लोगों को फायदा हो सकता है, कंपनी उस पर जो है काम करेगी। अगर आप अपना डाटा ही नहीं देंगे तो बाद में अगर आप शिकायत करेंगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई भी चांस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो आलोक जी जो नेक्स्ट अपडेट है आपके पास वो जो है प्रस्तुत करें आप। दोस्तों आपको अभी मैं फिलहाल दिया हुआ हूं जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो चैट का लिंक प्रोवाइड किया गया है उस चैट में आप जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट है जो भी आपको चाहिए जो कि हम लोग सीआरओ को ट्रेड करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे उसको आप वहां पे देख पाएंगे और सारे के सारे अपडेट आप ले पाएंगे। तो दोस्तों ये जो आपको चैट का लिंक मिला हुआ है उस चैट के लिंक के ऊपर आप जाइए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जितना आपके ग्रुप के ऊपर भी लोगों को जोड़िए
ताकि उनको अपडेट मिलता रहे इस बारे में, जो कि सीआरयू को ट्रेड करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी हम लोग टेक्निक वहां पे अप्लाई करेंगे, आप भी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर उसको अप्लाई करके आप अपना पोर्टफोलियो को भी बढ़ा सकते हैं और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो और जैसे आपको मैं बता रहा था, आप लोग सोचिए कि हम लोग का जो कंपनी है उसका जो फंडामेंटल रूल्स है, जिस हिसाब से कंपनी को बनाया गया है, जो जिस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन किया गया है, जिस हिसाब से पोर्टफोलियो को हम लोग ने 4 से 5 एक्सचेंज के ऊपर लेके आ चुके हैं, फिर भी उसका प्राइस ना बढ़ने का रीजन क्या है? जो रीजन है वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। रीजन ये है कि हम लोग ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज है उसका ना लेते हुए हम लोग चाहते हैं तुरंत ही तुरंत अपने पोर्टफोलियो को मार्केट में सेल करके कुछ पैसा इनकम कर लें और अपना पोर्टफोलियो को मार्केट में बेच दें। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं, कोई भी चीज जब प्राइसिंग आप अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने एसेट को एक नई प्राइस और नई मुकाम तक नहीं पहुंचने देंगे, तब तक आपको कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होगा। सो आप अपना पोर्टफोलियो को खुद बचाइए। जैसे आप जानते हैं 17 लाख कम्युनिटी होने के बावजूद 9.2 लाख वॉलेट ऑलरेडी बन चुका है, फिर भी आप देख रहे होंगे, आप जान रहे होंगे कि बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे छोटे मोटे आईसीओ जो कि बहुत ही कम टाइम में अपना प्राइसिंग इतना ऊपर ले जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोग, उस कम्युनिटी के अंदर उसको प्राइसिंग को बढ़ाने वाले लोग जो जो कि अपने एसेट का वैल्यू बढ़ाते हैं। सो एज ए कम्युनिटी हम लोग जो कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, इस कम्युनिटी से जो एजुकेशन मिल रहा है, उस एजुकेशन को लेते हुए हम अपना एसेट जो वैल्यू चाहते हैं उसको दिलवा सकते हैं। बासर इतना है, हम लोग को उसका वैल्यू बढ़ाना है। कैसे? उसका जो स्ट्रैटेजी है और जो टेक्निक है, टाइम टू टाइम आपको इस ग्रुप में मिलता रहेगा। इस ग्रुप में अटम सार भी जुड़े हुए हैं जो कि टोटल कंपनी का पोर्टफोलियो को प्रबंधन कर रहे हैं, तो उनके गाइडेंस, कुछ हम लोग लीडर जो भी आज तक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस को जोड़ के इस पोर्टफोलियो का वैल्यू को ऊपर ले जाना है और जो डाउन ट्रेंड आया हुआ है यहां से उसको टर्न देके हम लोग अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना है, वो भी ग्रेजुअली। कोई भी स्टॉक अगर प्राइसिंग उसका तुरंत ऊपर जाता है तो तुरंत नीचे भी आ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर जब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हम लोग के स्टॉक और हम लोग को ग्राफ को रीडिंग करेगा, तब उसको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक में कितना दम है और ये स्टॉक में कितना, उसके कम्युनिटी में कितना दम है। आप अपना दम, आप अपना कम्युनिटी को अगर शो करना चाहते हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आज से जो ये पैटर्न हम लोग को बता रहा है, जो पैटर्न हम लोग को दिखा रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग चलते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा खासा इनकम इस पोर्टफोलियो से ले सके। मनोहर सर प्लीज आप अनम्यूट करिए, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं यू कैन कंटिन्यू। तो दोस्तों आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग आपका क्वेश्चन भी लेंगे। जैसे आप लोग को पता चला होगा कि कंपनी ने अभी आप लोगों को, सब लोगों को नया न्यूज आपके पास आके पहुंचा हुआ है पॉपकॉइन के नाम पे। तो जैसे आप लोग जानते हैं जितने भी सारे पोर्टफोलियो रखे हुए हैं डब्ल्यू शेयरिंग का, उन सभी को इस पोर्टफोलियो को, ये पोर्टफोलियो पाने का सबको मौका मिलेगा। जैसे उसका कैलकुलेशन दिया गया है 2550 डब्ल्यू शेयरिंग के अगेंस्ट में एक बॉब कॉइन मिलने वाला है। ये बहुत ही खुशी का बात है, जो कि आप देखते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप बॉब कॉइन को सर्च करेंगे जो कि 2.4 समथिंग डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि आपको तुरंत ही बेचने के लिए दिया नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपको अनलॉक किया जाएगा बॉब कॉइन को ताकि आप उसको बेच के लिक्विडिटी कर पाए। धीरे धीरे आपके अकाउंट
जो हम लोग के अकाउंट के साथ उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, और उसी इंटीग्रेशन के साथ आप लोग वो सारे जो सुविधाएं कंपनी देने वाला है आपको अवेल किया जाएगा। वन बाय वन आप अपना हैंड रेज करिए, जो भी क्वेश्चन है आपका लिया जाएगा। और सुना मोहम्मद सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप बोल सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो सीड फ्रेज वाला गूगल फॉर्म है वो उसका डेट तो और लगता है आज खत्म हो गया कि और भी है क्या? टाइम कब तक है? लास्ट टाइम, लास्ट डेट एंड टाइम। यदि यदि वो भरा जा रहा है, आप उसको भर पा रहे हैं, तो आप उसको भर दीजिए। ओके सर। वैसे डेट निकल गया ना? डेट सर, आज लास्ट डेट था सर। आज लास्ट डेट था। सीड फ्रेज का लास्ट डेट नहीं था, जो यूनिट ट्रांसफर का था वो 2 बजे तक था। सीड फ्रेज का डेट कुछ दिया गया नहीं। सीड फ्रेज आप जल्दी। ओके सर। ओके सर। आप गूगल फॉर्म भर दें और भरवा दें आप तुरंत, तुरंत कार्रवाई करें ये। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट आलोक पांडे सर, आपका अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है, आप बोल सकते हैं। आलोक पांडे सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे हमारा अमेरिकन एसक्यू नहीं हो रहा है तो अल्टरनेटिव वो दे रखे ना, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई है, चाइना हो रहा है, तो इनकी कब तक मतलब उम्मीद करें कि ये हो जाएंगे WCRU? सर इसका आंसर मैं देता हूँ, इसका आंसर मैं देता हूँ आपको। ऑलरेडी हमारा मीटिंग हुआ है, उसमें ये सारा डिस्कशन हो गया है। आपको कंपनी सारा ब्रीफ देगी, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, एवरीथिंग सून, मतलब आपको वीक के अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, और कंपनी वेबिनार करे, इसमें वेबिनार करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। नो नीड टू बी पैनिक, कंपनी ने सारा ऑलरेडी प्लानिंग कर रही है कि कैसे करना है, बहुत सारी चीजें चल रही है इस पे। आप कोई पैनिक मत करें, ऑलरेडी आपको समक्ष सारी बातों को रखा जाएगा, नॉट वरी अबाउट दैट सर। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बताया है जैसे कि सर ने कि सारी चीजों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मैं आपको 2 अपडेट दे रहा हूँ। एक अपडेट है के जो WCRU है उसको जो है लिस्टिंग का जो अपडेट होना था वो उसमें अभी जो है डिले है, और WCRU की जो सेल है उसको अभी टेम्परेरी जो है सस्पेंड किया गया है। ये आप जो है इस पे न्यूज इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि अभी जो है जो वर्ल्ड की जो पोजीशन है और जो हालात बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसको जो है WCRU को अभी डिनाई किया गया है। अभी इसको जो है अभी इसको इसको जो है पेंडिंग पे रखा गया है, और अभी इस पे जो है काम नहीं हो रहा है, और आने वाले कुछ समय में इस पे काम होगा। आपका WCRU जिसके पास भी है वो सुरक्षित है और आपके ही पोर्टफोलियो में है और आपका ही एसेट है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। और जैसे ही उचित समय होगा तो WCRU के लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी तैयार करेगी और आपको प्लेटफॉर्म देगी, और आप अपने WCRU को जो है 100% जो है आप जो है जैसे ही सिस्टम होगा 1% 2% जैसे भी होगा तो आप उसको जो है कंटिन्यू आप जो है कर पाएंगे, कोई भी फेरबदल नहीं है। और एक मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ बॉब कॉइन की। कुछ जो है नेता जो है भ्रमित हो रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि कंपनी अब जो है WCRU के बदले में हमें जो है बॉब कॉइन, यानी WCRU हमें देना पड़ेगा और बॉब कॉइन हमें मिलेगा। ऐसा लोगों को जो है आभास हो रहा है, और काफी जो है ऐसे कॉल भी आ रहे हैं, और काफी लोगों को पूरी तरह से पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं इस पे एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो बॉब कॉइन है ये भी एक कंपनी है, जो कि ये कंपनी काफी समय से चल रही है, और इस कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने इस कंपनी को डिजाइन किया है, जो कि उनका लक्ष्य था कि मैं मोटरसाइकिल जो है बैटरी से चलने वाले मोटरसाइकिलों का उत्पादन करूं और उसको मैं बेचूं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली जो है पे काम करना चाहते हैं और जो है रोजगार पे काम करना चाहते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले
और वातावरण इको फ्रेंडली हो उस पर उन्होंने काम किया और उस पर जो है काम करा, तो वो भी जो है एसक्यू के लिए प्लेटफॉर्म को तलाश रहे थे, बॉब कॉइन का जो मालिक है, लेकिन उनको भी जो है एसक्यू का प्लेटफॉर्म नहीं मिला और वो जो है उन्होंने फिर जो है आईपीओ के लिए ट्राई किया, तो उस पर भी जो कुछ नियम और शर्तें हैं जो कि वो पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक तीसरा जो है रास्ता उन्होंने निकाला कि आईसीओ वा, ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि आप इसको बोल सकते हैं कि आईसीओ जो है प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसमें एसेट्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो आईसीओ वा उसको प्लेटफॉर्म को माना गया है। तो जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ, जब ये इसका स्टार्टअप था, तो अंद्रेई सर ने इसके अंदर पर्सनल अपना निवेश किया था, जिसमें उन्होंने उन्होंने जो है इनिशियल स्टेज में जो है बॉब कॉइन को खरीद लिया था, क्योंकि दूरदृष्टि है अंद्रेई सर, तो उन्होंने जो है कुछ पैसे लगा के उसको जो है बॉब कॉइन को खरीद लिया था और अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया था। तो अभी जो पोजिशन जो है डब्ल्यू सी आर यू की जो है लिस्टिंग में कुछ समय लग रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और अपनी कम्युनिटी को जो है अपने साथ बनाए रखने के लिए और ताकि नकारात्मक ना हो कोई भी, और जो है पॉजिटिविटी जो है अपनी टीम में बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी में बनाने के लिए अंद्रेई सर ने फैसला लिया है कि मैं जैसे स्काईवे का जो निवेशक थे जो लोग, उनको जैसे एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को क्रिप्टो यूनिट जो है सीआरयू मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, तो वो वादा उन्होंने पूरा किया और 2 बिलियन जो है उन्होंने सीआरयू को स्काईवे के जो निवेशक थे उनको जो है फ्री और पोस्ट गिफ्ट में जो है उनको बांट दिया, जिनके पास जितने स्काईवे का पोर्टफोलियो था उसके अनुसार। उसी तरह से इन्होंने फैसला लिया है कि मैं दोबारा से जो है एक गिफ्ट आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें जिसके पास भी जितना डब्ल्यू सी आर यू है पोर्टफोलियो में, मैं उसको जो है 10 मिलियन इनके पास खरीदा हुआ पोर्टफोलियो है उसको जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी पोर्टफोलियो धारकों को, जो डब्ल्यू सी आर यू जिसके पास भी होगा उसको जो है, जिसका रेशो निकल के आया है कि 2500 लगभग 2500 जिसके पास भी डब्ल्यू सी आर यू है उसको जो है एक बॉब कॉइन जो है निकल के आ रहा है कि एक बॉब कॉइन मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास 2500 से कम है उसको बॉब कॉइन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके पास भी जितना भी बॉब कॉइन जितना भी उसके पास डब्ल्यू सी आर यू उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा, अगर किसी के पास एक भी डब्ल्यू सी आर यू है तो उसको भी जो है पॉइंटों में बॉब कॉइन मिलेगा। तो इसको जो है बिल्कुल हम क्लियरिटी दे रहे हैं कि डब्ल्यू सी आर यू धारकों को जो है वंचित नहीं रखा जाएगा, जिस किसी के पास एक भी अगर डब्ल्यू सी आर यू है तो उसको भी जो है पॉइंटों में बॉब कॉइन मिलेगा। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए सीओ का कि आप लोगों को जो है गिफ्ट उन्होंने दिया है। तो दोस्तों इवोसेंट जो कंपनी है उसका जो है आप अनुसरण करें, उसको डीप में पढ़ें और उसको जो है अच्छे से उसको रीड करें, स्टडी करें और उस प्रोजेक्ट पे आप लोग जो है काम करें, क्योंकि अगर हमारा एक भी प्रोजेक्ट जो है आईपीओ में चला जाता है तो आपका डब्ल्यू सी आर यू, आपका सी आर यू, आपका यूएनटी भी जो है बिल्कुल ऊंचे आसमान में होगा और आपके जो है एसेट जो है ग्रोथ करेंगे। तो मैं यही आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू लोग जी। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज। यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर किसी को कोई भी भ्रम है, किसी भी चीज का भ्रमित है और कोई भी डाउट है, किसी भी को लेकर समझस बनी हुई है, तो आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आलोक जी से पूछ सकते हैं, और हमारे साथ बने हुए हैं रत्नाकर प्लाई सर जो है अभी प्रस्तुत हो जाएंगे, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे लोकल काउंसिल मेंबर मनोहर चौहान जी जो कि हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आप जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये सही समय है आप लोगों के लिए कि आप जो है क्लियरिटी लें और आगे बढ़े, क्योंकि समय जो है सबके पास जो है बिल्कुल सीमित समय है, तो आप जो है तुरंत अपने हाथ उठाएं और अपना क्वेश्चन करें और क्लियरिटी लें, यहाँ पे तुरंत देरी ना करें।
बिल्कुल सही है सर, जैसा रमेश सर ने बताया है, आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डाउट है, प्लीज अपने डाउट को क्लियर कीजिए और अपने जो आपकी टीम्स है, आपके जो पार्टनर्स है, उनको सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। दिनेश जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप प्लीज अनम्यूट करें सर, मैं कर रहा हूं। अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। दिनेश जी क्या आप अनम्यूट हो गए? दिनेश जी क्या आप अनम्यूट हो गए हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ बोलिए सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, CRU एक्सचेंज पे आ रहा है लेकिन रेट तो बढ़ नहीं रहा है। सर देखिए वही मैं आलोक सर ने अभी जो ग्राफ आपको लोगों को दिखाया था उसमें यही दिखाया गया था कि हमारे जो पार्टनर हैं वो ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। काफी जो पार्टनर है, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन काफी मात्रा में ऐसे हमारे जो पार्टनर है जो कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं है, जो कि छोटी सी बात को लेके ही वो जो है पैनिक हो जाते हैं और अपने CRU को बेचने पे उतारू हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि CRU के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या ये यूज है, उनको अभी डीप अभी भी पता नहीं है। तो हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, एक हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए, वहां पे स्ट्रेटजी बन रही है, आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है वो आपको वहां पे सिखाया जाएगा CRU के। जी सर। और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सर, दिनेश जी आपको बिल्कुल उसके चीजों को समझने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को, हम CRU को किस नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, हम लोगों को उसके लिए मिलके काम करना है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। सर मैं CRU खरीद रहा हूँ, खरीदवा ही रहा हूँ, मैंने अपनी टीम को 10 लाख CRU खरीद रहा है सर। आप खरीद रहे हैं और खरीदवा रहे हैं, तो आप जो हमारा ग्रुप बनाया गया है, हमने CRU के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया ट्रेडिंग सीखने के लिए, आप उसके अंदर ऐड करिए सबको और फिर जो है आप देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। जी सर। और हमारे जितने चैनल हैं जो कि अभी आप ग्रुप जैसे अभी इस मीटिंग के चैट बॉक्स में डाले हुए हैं, सबको आप ज्वाइन करें और सबको ज्वाइन करवाएं और CRU की स्ट्रेटजी को समझने के लिए, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप जो है स्पेशल हमारा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करें और जिसको भी आप जो है अपने पार्टनर को ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसको ज्वाइन करवाएं, मैक्सिमम लोगों को, तभी जो है आप इसकी स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन है WCRU लगभग कब एक्सचेंज पर आ रहा है, इसके बारे में जगन्नाथ जी आपको बताना चाहूंगा। एक कंपनी का अभी ऑफिशियली वेबिनार होगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आगे का क्या प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको सारा ब्रीफ दिया जाएगा। आप जब भी ये वेबिनार होगा सुन, जल्दी होगा, इस वीक में होगा, जो कमिंग वीक है उस वीक में होगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, तो आपको सारी उसके बारे में ब्रीफ कर दी जाएगी। आप यह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप फ्रंट में आके क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल अपना हाथ उठाएं और अपना वीडियो खोलें और दिल खोल के अपना जो है क्वेश्चन पूछें, तभी मजा आएगा आंसर करने में। और चैट में भी आपने पूछे तो सर ने जवाब दे दिया है, और मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं कि WCRU जो है एसेट्स बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसके पास सभी ऑप्शन है, ये STO भी कर सकता है, ये IPO भी कर सकता है, ये ICU वा भी कर सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है और इस पे स्ट्रेटजी बनेगी। और जैसे ही ऑफिशियल कोई भी न्यूज आएगी इसके ऊपर और हमें जो है कहाँ पे जाना है क्या करना है वो सारी अपने पार्टनर को जो है सबको जो है वो न्यूज सबको दी जाएगी और सबको साथ लेके उस पे चला जाएगा। थैंक यू सर। सर आलोक सर, रत्नाकर सर आगे हैं? यस सर, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल थॉट्स एंड की जो आपका ऑलवेज रहता है एक डिफरेंट प्रकार का इंफॉर्मेशन, आप लोगों आप इसको सुनने के लिए बिल्कुल बेताब है, प्लीज अपनी इंफॉर्मेशन बताइएगा। मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आप अपना प्लीज कैरी ऑन सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। Thank you.
तो दोस्तों जैसे आपको लिंक मिलता गया, आप लिंक में जुड़ते जाइए, जितना ज्यादा कम्युनिटी वहां पे होगा उतना ज्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आप अपने टीम के साथ भी इस लिंक को शेयर करिए ताकि आप लोग को टाइम टाइम पे सारे अपडेट दिया जाएगा कहाँ से क्या करना है और किस स्टेप की, जो स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रैटेजी होता है, एक टेक्निक होता है, उस स्टेप बाय स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। एवरी स्टेप में आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। और यहाँ से जब हम लोग चालू किए थे जर्नी अपना, सीआरयू का जर्नी, वहां से आज तक हम लोग जहां पे पहुंच पाए उससे आगे और क्या क्या हो पाएगा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने सारे टीम को जोड़िए, वो लोग नॉलेज लेके ये सारे सारे चीज को समझ पाए और इसके बारे में जान पाए। थैंक यू, वेलकम रत्नाकर सर। ग्रेट, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम सर, वेलकम रत्नाकर सर, आपका स्वागत है। आपने दर्शन दिया तो बहुत अच्छा लगा सभी को। थोड़ा सा बिजी काम का शेड्यूल से लेट हो गया, नो प्रॉब्लम। आई लव जी, पीपल आर वेटिंग फॉर यू सर। नो प्रॉब्लम सर, बहुत ही बढ़िया। आलोक जी ने इन्फॉर्मेशन दिए हैं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग को लेके, एंड बहुत सारे अपडेट्स है। कुछ लोगों का डाउट्स था, जैसा कि आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारा लोगों का डाउट था, क्वेश्चन आ रहा था कि WCRU हमको, WCRU हम लोग एक्सचेंज करेंगे बॉब कॉइन से नहीं। सबको ये पता चलना चाहिए कि भाई बॉब कॉइन एक एडिशनल गिफ्ट, जैसे कि रमेश सर ने आपको एक एडिशनल गिफ्ट दिया जाता है। और जो लोग WCRU होल्डर है, जैसे आप लोग को मालूम होगा नवंबर 2000 में, शायद 2021 में, एक जो PNG होल्डर्स है, सिंपल एक $10 का VIP क्लब लेने से उन लोग को मिल गया बहुत सारा क्वांटिटी का उसी टाइम। तो इसी ये एक वन टाइप ऑफ एडिशनल गिफ्ट है। एंड पैनिक, बहुत सारा लोगों ने पैनिक होके मेरे को भी कॉल किया था, क्या एक 2500 का जगह में एक बॉब कॉइन हमको मिलेगा। तो जो फर्स्ट टाइम वो आया, मैं बोला भाई, मैं उसी टाइम में भी आउट ऑफ भुवनेश्वर था, मैं बोला थोड़ा सा रुकिए, मैं तो देखा नहीं, उसमें देख के फिर बताऊंगा। फिर सब कुछ लोगों को तो बताया हूँ फोन पे, बट आज जो मीटिंग हो रहा है इसमें क्लैरिटी आई थिंक आप सबको आ गया होगा। भाई साहब, ये एक एडिशनल गिफ्ट है जो कि कंपनी का तरफ से दिया जा रहा है। एंड सेकेंड चीज, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा चीजें डिस्कशन हुआ एंड्रेस सर का जो फीडबैक देने का बारे में, तो सबको रिक्वेस्ट है आप लोग फीडबैक दे दीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी अभी आपको सबको मालूम है अभी वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन एंड रूसिया का जो भी अभी भी सिचुएशन है, तो उसमें कोई पर्सन, सपोज इंडिया में आज इसी टाइप का कंडीशन होगा, कोई पर्सन लगातार फ्रिक्वेंटली अभी बाहर का कंट्री ट्रेवल करेंगे, ऑब्वियसली उसका ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन भी आएगा, वो इंटेलिजेंस का ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई इंडिविजुअल का फोन नहीं। सो इसीलिए एंड्रेस सर एक्चुअली ही इज नॉट डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटीज, वो तो प्रॉपरली आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जो भी है। बट उसको जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर है, सबको, हमको भी सपोज इंडिया में उसी टाइप का कुछ एक्टिविटीज होगा, जो भी इंडियन सिटीजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो जो भी हो रहा है, सो उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए एंड्रेस सर को, क्योंकि हम लोग को ही बोलना चाहिए, नहीं वो आ रहा है किसी पर्पज के लिए, मे बी ट्रेनिंग के लिए बा बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जो भी है। और API तो ऑलरेडी हर कंट्री में रजिस्टर्ड है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि इज कमिंग फॉर ट्रेनिंग, इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अस। तो जरूर वो फॉर्म फिलअप कीजिए एंड बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। एंड चौहान साहब एंड रमेश सर जो बताए हैं कि WCRU फ्यूचर, उसमें कंपनी विद इन, क्योंकि देखिए किसी भी चीज होता है उसका जो सेकंड ऑप्शंस के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक प्रॉपर वे में जाने के लिए, देखिए कोरोना हो गई, कोरोना जब आया था अब दिसंबर में 2000 में, उसी टाइम में क्या हुआ, सॉरी दिसंबर मार्च
इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, मार्च 2000 में जनरली देखा जाएगा था, फरवरी मार्च उस टाइम में देखिए दो साल हो गया, दो तीन साल हो गया हम लोग, मतलब अभी थोड़ा सा मतलब फुली नहीं पार्शियली आपको मतलब फ्री लग रहा है अभी, मैं जो फील रहा हूँ आपको क्या फील लग रहा है देखिए, क्योंकि अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस अभी बंद हो गया, इसमें कितना टाइम लगा, एक जो भी एक प्रॉब्लम आया वर्ल्ड लेवल में उसमें कितना टाइम लगा, ये भी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एक वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है, हर कंट्री में है, जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है लीगल व पॉलिटिकल इशू बाहर का, मतलब जो कंपनी का इसमें, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें कंट्री का पॉलिटिकल इशू हो गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमको भी कंपनी का और हमारा पोर्टफोलियो का ऊपर भी उसका आ गया ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, क्या यस डेफिनेटली, इसके लिए जो प्लान बी बैकअप प्लान है वो ऑटोमेटिकली रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको हम लोग को वेट करना पड़ेगा, और आदमी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं भाई WCRU का फेसबुक में भी एंड टेलीग्राम में भी हर जगह पूछते हैं भाई, देखिए प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर ऑल, आप जैसे नॉलेज ले रहे हैं हम लोग से सेम नॉलेज में, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं आप लोग को एवरी डे सॉरी एवरी वीक एक कॉमन वेबिनार कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हो रहा है, आई थिंक बहुत सारा और भी लीडर्स वेबिनार्स कर रहे हैं, सो बहुत सारा ग्रुप्स भी है वो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी न्यूज शेयरिंग हो रहा है, सो पैनिक होने का कोई चांस नहीं है, जैसे मनोज सर एंड रमेश सर बताते हैं कि इन नेक्स्ट फ्यू कपल ऑफ डेज इसका बारे में डिटेल अपडेट्स कंपनी का तरफ से दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्या प्लान होने वाला है, आइदर ICO WA जैसे रमेश सर ने बताया इसका फुल फॉर्म ICO विथ एसेट्स, जनरली जो कॉइन मार्केट स्टार्ट हुआ था बा डिजिटल करेंसी का जमाना स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं 2017 इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो फॉरेन में चल रहा था, ICO कॉन्सेप्ट आया, ICO में क्या है, ICO की कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशंस में नहीं है, कुछ प्राइवेट बॉडी जैसे कि आज भी मैं कुछ लोगों को बताया हूँ, देखिए कोई कॉइन अभी जाता है मार्केट, कुछ लोगों का क्वेश्चन से वो भी क्या होता है कुछ दिन का बाद वो मार्केट में भी आउट हो जाता है, क्यों आउट होता है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा भाई उन लोग का पास कम्युनिटी कितना कितना है, वो जो कॉइन बा वो जो प्रोजेक्ट लेके आया है उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, एंड इकोसिस्टम बा उसका बैक में कौन कौन है वो क्या है, डिटेल उसमें समझना चाहिए, इसमें आप देखेंगे WCRU ऑलरेडी एसेट बेस्ड है, कम्युनिटी भी हमारा पास है ऑल ओवर वर्ल्ड का कम्युनिटी है 17 लाख कम्युनिटी है, सो जो भी होगा आई थिंक मेरा तो जो भी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से अच्छा होगा एंड परफेक्टली होगा क्लियरली होगा सबको सेम चीज, जो भी इंफॉर्मेशन होगा आई थिंक कॉमनली मतलब एक रिलायबल बा एक क्या बोल सकते हैं एक कंफर्टेबल वे होगा जो कि फ्यूचर में कैसे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ होगा, जो पीछे गलतियां हुई है उसको प्लानिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा बॉब जी जो है बॉब कॉइन का जो CEO है वो IPO एंड बॉब इकोसिस्टम का जो कॉइन है बॉब सी उसको वो बहुत सारा एक्सचेंजेस में लिस्टिंग किए हैं एंड शॉर्ट पीरियड में वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी इन्वेस्टर को दिए है, सो भी वो हमारा साथ इसी इकोसिस्टम का साथ भी जुड़ गए हैं एंड कमिंग डेज में कंपनी भी कॉइन मार्केट कैप का प्लान है, आई थिंक बहुत सारा न्यूज में भी है आप देख सकते हैं एंड ऑफिशियल चैनल भी है जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन चैनल, इसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, सबको रिक्वेस्ट है जो लोग ज्वाइन किए नहीं वो चैनल ज्वाइन कर लिए एंड फॉलो कीजिए, एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो लोग ट्विटर में है हमारा जो भी ऑफिशियल साइट ट्विटर में होता है कुछ चीज पब्लिश होता है उसको आप लाइक कीजिए एंड रीट्वीट कीजिए, रीट्वीट में क्या होता है कोई कम्युनिटी आउटसाइडर कम्युनिटी आके देखता है भाई क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन CRU उनका क्या है
ट्विटर पे, उसमें कितना कम्युनिटी है, तो बेसिकली उसमें जो न्यूज आता है कितना लोग उसको लाइक करते हैं, कितना लोग उसको रीट्वीट करते हैं, ये आप देखेंगे। और मतलब जो सोशल मीडिया का कम्युनिटी है, जो लोग एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट आप बोल सकते हैं, VCs वेंचर कैपिटलिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग एवरीथिंग बिट बाय बिट वो देखते हैं क्या हो रहा है एक्टिवली, इन लोग का एक्टिव कम्युनिटी क्या कर रहा है। कोई भी एक मतलब नेगेटिव न्यूज वो देखेंगे तो वो कुछ अमाउंट वो इन्वेस्ट करने के लिए सपोज सोच रहे होंगे तो वो उसको फिर वेट करेंगे। सो इसीलिए सबको कि देखिए यहाँ पे जितना ज्यादा एक्सटर्नल कम्युनिटी एंटर हो गए सो दे आर द बायर्स। हमारा इंटरनल कम्युनिटी जो भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है नाउ दे आर द सेलर्स, दे आर नॉट द बायर्स। बहुत कम लोग होते हैं इंटरनल कम्युनिटी का बायर। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सटर्नल कम्युनिटी जहां पे अभी हमारा कॉइन जा रहा है जिस एक्सचेंजेस में, वहां पे उन लोग का एक कम्युनिटी है, उन लोग का एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बोल सकते हैं, बाय इन्वेस्टर बाय बिजनेस कम्युनिटी जो भी बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी है। उन लोग को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है हमको उसी लेवल को लेके जाना है। देखिए आप जाएंगे सब्जी दुकान को जाएंगे, एवरी टाइम कुछ टाइम का इंटरवल में वो सब्जी का जो दुकानदार है वो क्या करता है ना, पानी डालता रहता है सब्जी में। क्यों? क्योंकि उसका सब्जी कैसे फ्रेश दिखना चाहिए, जो भी आएगा उसको देखेगा नहीं ये फ्रेश है, ये पूरा आज का ही प्रोडक्ट है। ओके सो सेम है, हम लोग क्या करते हैं जानबूझ के मतलब कंपटीशन में उसको नीचे लेके जाते हैं। कोई नेगेटिव कुछ भी एक न्यूज आया तो उसमें क्या करते हैं लोग पैनिक हो जाते हैं। सो एक्सटर्नल कम्युनिटी हर चीज एवरीथिंग को वो लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई एक प्राइस एक ऑफ ट्रेंड में जाएगा तो आप देखिए ऑटोमेटिकली जब एक्सटर्नल कम्युनिटी आएगा वो उसको फॉलो करके वो एडिशनली उन लोग का जो इन्वेस्टमेंट आएगा ऑटोमेटिकली जो भी रेजिस्टेंस लेवल जो भी अलग जी बताया वो ऑटोमेटिकली ऊपर तक जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग जो कोनर्स है खुद पैनिक होके सेल करेंगे, जैसे कि गोल्ड का एग्जाम्पल अलग जी दिए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। एंड सेकेंड चीज है कि जो 3 ईयर स्टेकिंग का प्लान है तो जो मंथली उसका जो रिवार्ड आता है, कुछ लोग उसको फ्री जैसे कि सोचते हैं कि ये तो फ्री है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जितना भी मिलता है उसी हिसाब से हम लोग सेल करें, वो उन लोग का कम्युनिटी है। जनरली जो ट्रेडर कम्युनिटी है आप मतलब एक कॉमन रूल हम लोग क्या फॉलो करते हैं, बाय ऑन रिमोर सेल ऑन न्यूज, समझ गया। जब एक न्यू रिमोर होगा कुछ भी, देखिए एक टाइम का रिमोर हुआ भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, तो USDT कितना 60 रुपीज में चला गया, 60-64 उस टाइप। उस 2 दिन का बाद जो आया पॉजिटिव न्यूज फिर USDT कितना हो गया 70-87 तक चला गया था। सो जो लोग इंटेलिजेंट है वो क्या करते हैं, वो रूमर जब रूमर आता है उसी टाइम में वो लोग परचेज कर देते हैं, जब न्यूज आता है उस टाइम में सेल कर देते हैं। देखिए हमारा पास में CRU लेके भी एक गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग वही सेम करते हैं। मार्केट अभी डाउन है, तो डाउन है मतलब एक फ्यूचर में हम लोग का प्लानिंग है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव न्यूज आ रहा है आगे, मेरे को जो एक्सपेक्टेशन आई थी आप सबको भी मिले, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिला होगा कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू अनदर टॉप 10 एक्सचेंज एंड कॉइन मार्केट क्या कॉइन जिको, कोई बहुत सारा प्लानिंग है जो कि आई थिंक कमिंग डेज में होने वाला है। सो ये जो प्राइस है आज का जो प्राइस है आई थिंक इसी प्राइस को आप जल्द कम कपल ऑफ डेज में या आपका खुद का मतलब एक नॉलेज लगाइए, आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ उसका पर फुली डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स आर 100 फुली हाई रिस्क मार्केट, आपका जो भी पैसा लगा रहे खुद का एक बार रिसर्च कर लीजिए। बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है अभी जो मार्केट जिस कंडीशन में है CRU का बारे में बोल रहा हूँ, नॉट अदर एनी एक्सटर्नल मार्केट, सो आई थिंक एक कमिंग डेज में जब एक गुड न्यूज आएगा उसमें हमको यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। सो जो लोग इसी पोजीशन में बाय करेंगे आई थिंक बहुत सारा लोगों ने हमारा टीम का भी इसी ग्रुप में भी और इसी मीटिंग में भी होंगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी
इसी आई थिंक जिस दिन जिस लोकल ट्रेड जब तक लिस्टिंग हुआ है इसी बीच में आई थिंक बहुत सारा लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। सो जो लोग इसी ट्रेडिंग पर्टिकुलर इन ट्रेडिंग तो कमाया होगा तो एक प्लस वन दवाई है। मैं देखता हूँ कि को लोग मैं तो कर रहा हूँ भाई, जब इसी टाइप का सिचुएशन आता है हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना जितना हमारा कैपेसिटी होता है जितना एडिशनल फंड होता है हम लोग कर लेते हैं। देखिए आलोक जी, मिहिर जी एंड अरुपम जी, रमेश सर, ओके से देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ओके देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी प्रॉफिट हम लोग मनोहर जी भी करते हैं क्यों प्लस वन आई थिंक वो ड्राइव कर रहे हैं इसलिए लेकिन सिग्नल दिए नहीं। बहुत सारा लीडर्स भी ये मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा। ओके और भी कोई आया है, अश्रिता अश्रित केरकेटा जी, अविनाश जी, ओके सब बहुत सारे आदमी इसमें फॉलो कर रहे हैं बिकॉज जो लोग प्रशांत गेन ये सर, सो जो लोग प्रॉपरली मार्केट को वॉच कर रहे हैं दंडाधरल सर, यस दिनेश जी, ओके बहुत बढ़िया। सो देखिए बहुत सारा लोगों ने अभी मतलब इसमें ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट कर रहे हैं। सो दोस्तों यही था, क्योंकि देखिए कम्युनिटी ही पावर है एंड कुछ प्रॉब्लम आज हुआ है वो पॉलिटिक सतीश काकड़े जी, यस थैंक यू। सो यही है अपडेट्स, बाकी जो भी हो रहा है एवरीथिंग धीरे धीरे कुछ भी चीजें होता है उसका एक सॉल्यूशंस वो एक दिन होगा ही होगा। एंड सेकंड थिंग सब लोग थोड़ा सा मतलब क्या आपका खुद का भी रिसर्च कीजिए एंड सेकंड चीज ज्यादा पैनिक सेल मत कीजिए, पैनिक सेल करने से आपका ही लॉस होगा क्योंकि जो लोग बायर्स होते हैं वो लोग देखते हैं भाई कब मार्केट डाउन जाएगा हम लोग हमारा पोर्टफोलियो को इंक्रीज करो। सो ये डिपेंड करता है आपका पर्सनल पोर्टफोलियो व फाइनेंस मैनेजमेंट का ऊपर, क्योंकि किसी का पास क्या मतलब कि आपका क्या फाइनेंशियल प्लान है, आपका कब कितना मतलब मीडियम व शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म कब क्या कितना पैसा चाहिए वो आपको ही मालूम। सो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट यही है सबको, आई थिंक एवरी अपडेट्स आपको मिलेगा एंड हमारा भी वेबिनार्स तो रेगुलर हो रहा है एवरी संडे को रात 8 बजे हिंदी में एंड हमारा दो ग्रेट लीडर मिस्टर मनोहर सर एंड मिस्टर रमेश कुमार सर जो कि इंडियन लीडरशिप काउंसिल का मेंबर है वो लोग दे रहे हैं। सर बॉब कॉइन बारह कौन बोला भाई, बॉब कॉइन का बारे में रत्नाकर सर अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड राइज कराइए, नहीं तो फिर जो है समय जो है काफी सीमित है हमारे पास में। क्वेश्चन है तो हैंड राइज कीजिए फिर दो तीन क्वेश्चंस लेके इसको क्लोज करते हैं। क्लोज किया जाए। बॉब कॉइन आपको फ्री में मिलेगा, डोंट वरी, उसमें कोई आपको कुछ एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। ये इकोसिस्टम है हमारा बैकअप, उसमें आई थिंक कुछ कपल ऑफ वीक्स में वो इंटीग्रेट होगा जो कि लास्ट मीटिंग में पता चला। WCRU ICO नहीं है, किसी ने लिखा है WCRU ICO, देखिए WCRU ICO तो नहीं है इसमें, ये जो है इसके पास ऑप्शनों की कमी नहीं है। WCRU IPO कर सकता है, ICO कर सकता है, STO कर सकता है और ICO वा में भी जा सकता है, इसके पास कमी नहीं है। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी ये हमारे जो है CEO सर और मैनेजमेंट टीम जो है डिसाइड करेगी और हम सब के जो उसके अंदर वोटिंग होगी और हमें जो है किस तरफ जाना है उसमें वोटिंग होगी सबकी और मैनेजमेंट इसको तय करेगा और हम जो है मैनेजमेंट के साथ हैं और जैसे ही उनके निर्णय होंगे हम जो वोट करेंगे जो हमें जो है सही लगेगा। तो आप भी वोट करिएगा, आपको भी मौका मिलेगा। तो इसमें कोई भी जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम STO में किसी भी कारणवश अगर हम STO नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो हम चाहते हैं मन की हमारी यही तमन्ना है कि हम STO में ही जाएं
लेकिन उसमें भी हम जो है जो भी उनके रिक्वायरमेंट है जो उनके डॉक्यूमेंट्स की या फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही मैनेजमेंट से जो भी सूचना हमें मिलेगी वो आप लोगों को दी जाएगी और हम भी चाहते हैं कि एसटीओ ही हो, एसटीओ में ही जाए और अगर वहाँ पे कोई भी दुविधा अगर आती है तो हम जैसे बॉब क्वाइन का जो ओनर है उन्होंने जो डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है, इसके लिए जो है मैनेजमेंट काम करेगी और वोटिंग होगी सबकी और आप भी को ओनर हैं, आप भी अपना वोट कर सकते हैं जिस जो समय आएगा उस समय पर। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो अभी आप जो है क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं क्योंकि हमारे साथ रत्नाकर सर हैं जो कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं और लोकल काउंसिल आपके साथ हैं, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है अपना हाथ उठाइए और अपना जो है क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं है और अगर आप सर्टिफाई हैं और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितने भी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल हैं और अभी सीआरयू के लिए जो सीआरयू को कैसे हमें पंप करना है, कैसे उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी है, तो सभी जो है हमारे चैनलों को आप सब्सक्राइब करें, उसके सदस्यता लें, खुद लें और अपनी जो भी आप सदस्य लेके आ रहे हैं उसको भी जो है सभी चैनलों को सब्सक्राइब करवा दें क्योंकि वहां पे जो आपको एजुकेशन दी जाएगी वो जो है बिल्कुल आपको आगे बढ़ाने में और आपके एसेट को ग्रो करने में सहायक होगी। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन है और इसका कोई भी अंत नहीं है, जितना आप लेंगे उतना ही कम है। तो जैसे कि रत्नाकर सर का जो कि चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, उसको सब्सक्राइब करें और सीखें कि डिजिटल एसेट पे कैसे लर्निंग करनी है और कैसे अर्निंग करनी है। तो सीखना ही होगा। सर फॉर्म थोड़ा शेयर कर दीजिए किसका पास है, अलग जी यस सर ने लिखा है, आंद्रे सर का जो फीडबैक वाला फॉर्म था ना, हाँ उसको शेयरिंग कर दीजिए। चलिए मैं अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ कोई ललित जी वो मांगे हैं। ओके सारे ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयरिंग किया गया है और भी दोबारा एक बार शेयरिंग कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज फिर आज का मीटिंग यही समाप्त करते हैं। आलोक जी एंड मनोहर चौहान सर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन और अपडेट मिला, ये जो बेसिकली ग्रुप बनाया गया है प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट है, वहां पे आटम सर भी आएंगे और उनका भी स्ट्रेटजी वो शेयर करेंगे, हम लोग भी अपना स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो सब मिलकर सीआरई को एक अच्छा खासा मुकाम पे हम लोग पहुंचाएंगे, जिस जो हम लोग का एम है, सबका एम है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है इस ग्रुप के ऊपर ना कोई नेगेटिव क्वेश्चन और ना कोई आपका जो भी पर्सनल क्वेश्चन है, आप वेबिनार में आइए, आपका सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हर हफ्ते हम लोग 8 बजे टाइमिंग में वेबिनार करते हैं। ये बेसिकली ग्रुप को बनाया गया है आपके एसेट का वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप अपना एसेट का वैल्यू मार्केट के प्राइस के ऊपर और मार्केट के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज आप इस ग्रुप में जोड़िए। इस ग्रुप का मतलब बस इतना ही है कि जितने लोगों के पास एसेट है उसका प्राइस बढ़ाया जाए। आप अगर सोचिए, हम लोग अभी 4 एक्सचेंज के ऊपर आ चुके हैं, अगर 4 एक्सचेंज के ऊपर 9 लाख जो भी हम लोग का वॉलेट अभी तक चल रहा है, मतलब एक्टिव यूजर अगर 4 लाख के करीब भी हैं, तो हर एक्सचेंज के ऊपर अगर 1-1 लाख हम लोग जाएं और 1-1 डॉलर के ऊपर, 1-1 डॉलर हर दिन अगर 1-1 डॉलर का परचेज करें, तो हर दिन जो वॉल्यूम जनरेट होगा 4 लाख डॉलर का वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। आप सोच पा रहे होंगे 4 लाख डॉलर का वैल्यू क्या है और सीआरयू का प्राइस कहां तक जा सकता है। तो उसी कम्युनिटी का पावर यूज करके हम लोग
अपनी एसेट का वैल्यू वहां पे बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कब हम लोग एंटर करेंगे मार्केट में और कब हम लोग को निकलना है। जब बाहर के सारे बायर आ जाएंगे, प्राइस से एक स्ट्रेट लाइन में, एक पैरेलल लाइन में चलता रहेगा, तब हम लोग कैसे क्या किया जाए, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, स्ट्रेट ट्रेंड क्या होता है, सब आप लोग को वहां पे नॉलेज दिया जाएगा। ट्रेडिंग का जो भी स्ट्रेटेजी है, हम लोग बाय कहां पे करें, एंटर कहां पे करें और एग्जिट कहां पे करें, वो सारी चीज आपको बताया जाएगा। अभी जो फिलहाल आपको जो ट्रेंड दिया गया है, ये ट्रेंड आपको बता रहा है कि यहां से बाय करना चालू कर दीजिए। अगर इससे नीचे स्टॉक का वैल्यू आता है तो आपके लिए भी नुकसान है, आपके एसेट के ऊपर भी नुकसान है। यहां से अगर हम लोग बाय करते जाएंगे, जो ग्राफ बनता जाएगा, हेड एंड शोल्डर का ग्राफ बनेगा, उसके बारे में मैं टेक्निकल सेशन आपको दूंगा कि कैसे सारे ग्राफ कैंडलस्टिक को कैसे आप लॉन्ग करोगे, कैसे आप ग्राफ को कैप्चर करके कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे और कैसे मार्केट में हम लोग एंटर करेंगे, कौन सा सही टाइम रहता है मार्केट में एंटर करने के लिए और कब राइट टाइम रहता है मार्केट से एग्जिट करने के लिए। जैसे हम लोग इतने दिन से वेट करके बैठे हुए हैं अपने एसेट को एक अच्छा खासा वैल्यू में बेचने के लिए, तो ये टाइम हम लोग का है कि अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे जब बहुत सारे बायर मार्केट के ऊपर आ जाएंगे और बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर हम लोग दिखना चालू हो जाएंगे। बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर जब हम लोग का सीआरयू ट्रेड होना चालू हो जाएगा, जब प्राइस एक ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा, जहां पे बाइंग बिहेवियर और बाइंग का जो ट्रेंड है बढ़ता जाएगा, उस टाइम में क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस ग्रुप में आप जुड़े रहिए और इस ग्रुप को प्लीज आप एज ए लीडर, आप अपना एसेट के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए आए हुए, सो प्लीज डोंट राइट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग ओवर हियर। यहाँ पे आप आइए और देखिए कैसे मिलके हम अपना जो एसेट है उसका वैल्यूएशन कैसे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मनोज सर, इफ यू वांट टू से समथिंग आप बोल सकते हैं। सतीश सर आप अनम्यूट हो जाइए, वो हैंड रेज किए थे। सतीश जी आपको मैं यस बोलिए। यस थैंक यू पले सर एंड थैंक यू ऑल हमारे जो मेंबर हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं कुछ अलग जगह में हूँ, मैं अभी अपना जो है फेस ऑन नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज जो भी सेशन हुआ बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ और इस सेशन के दौरान मैं जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं आज इस हमारा प्रोग्राम को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज आप लोग से शेयर किया जा रहा है, जब बताया जा रहा है, मन में झिझक मत रखिए। यहाँ पे सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, उनसे आप क्वेरीज कर सकते हैं। बाद में आप लोग नहीं बोल सकते कि हमें ये नहीं बताया गया या हमारे मन में ये डाउट रह गया है। अभी हमारे सामने में सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन है प्लीज खुल के बोलिए, बाद में मत बोलिएगा कि हमें ये चीज नहीं बताया गया। आज मैं तो इस कंपनी से 100% सेटिस्फाइड हूँ, कंपनी का हर एक चीज। आज मेरे कुछ लीडर्स के साथ में भी डिस्कशन हुआ था, उनको स्ट्रेटेजी के बारे में जब हमने बात की वो सारे के सारे समझ पाए। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग का मन में कुछ भी अगर डाउट्स है, कोई चीज समझ नहीं पाते हैं, तो डायरेक्टली आप जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो एक्टिव लीडर्स हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि नहीं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन मत पास कीजिए, नेगेटिविटी मत बोलिए। अगर आप रियली चाहते हैं आपकी जो एसेट है, इस एसेट को आप जिस तरह से अंदर सर बोले हैं कि 2028 से लेके 30 तक हम अपना WCRU और CRU की वैल्यू हम उम्मीद करते हैं कि ये $1,000 से $1,250 जाए, तो प्लीज 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 आप सारे चीजों को समझे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार सीनियर से पूछे, उसके बाद क्लियर हो के कोई भी कमेंट्स करे। बहुत सारे मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ लोग नेगेटिविटी लिख रहे हैं। मेरे से कोई बंदा अगर पर्सनली फोन करके बात करेगा तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं उनको क्लियर बता सकता हूं आज कि भाई वो कहाँ पे लॉस किए हैं, कहाँ पे प्रॉफिट किए हैं। आज इससे अच्छा सिस्टम हो नहीं सकता। आज आपके लिए मंच तैयार है, लीडर्स बैठे हुए हैं आपको आंसर देने के लिए। किसी का मन में है कोई भी सवाल तो पूछ सकते हैं, उसके बाद में नहीं बोलेंगे दोबारा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला बोल के। इसीलिए मैं हैंड राइज किया था और ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। बाकी सारे लीडर्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन रूप से अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। थैंक्स ऑल लीडर्स,
ओके बाय. थैंक यू सतीश जी. थैंक यू सतीश सर. थैंक यू वेरी मच. आपने अपनी प्रतिक्रिया दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अरविंद सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है. ये लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद आज इसका आज इस वेबिनार का हम लोग वाइंड अप करेंगे. आगे फिर आएंगे. हेलो सर. यस अरविंद मोरे सर. हेलो सर आप बोल सकते हैं. नमस्कार सबको सर्विस लीडर्स को. नमस्कार सर. नमस्कार. मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस टीम का इस पार्ट इसका हिस्सा हूँ. मैं WCRU सिस्टम का और आप लीडर्स से बात कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं और ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग मोर प्राउड टुडे. थैंक यू. लीडर आपको बताना चाहता हूँ कि somebody given me this opportunity. इसके बारे में मेरे को 3 दिसंबर 2019 को बताया था और 5 दिसंबर को इस प्रोग्राम का लास्ट डेट था. 4 दिसंबर 2019 को मैंने $1,000 का पैक बाय किया था. लकली मेरे को थोड़ा काम करने का बाद में मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस तरह का करने का और उसके बाद मैंने कुछ काम किया कुछ अर्निंग किए और जो कुछ इकट्ठा कर सका किया. अभी जब मौका मिला तो फिर हमने WCRU में कन्वर्ट किया. CRU बाय करके कन्वर्ट किया और मैं पछता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट मेरे को पहले क्यों नहीं मिला. yes. मेरे पास 5-10 लाख CRU क्यों नहीं है. 10 लाख CRU क्यों नहीं है. WCRU क्यों नहीं है. तो इसके बारे में इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट इतना सब कुछ होते हुए और सबसे मजे की बात है कि कंपनी को ओनरशिप को पूरा रिगार्ड करती है. हर एक इंफॉर्मेशन मेल पे भेज देती है. हर एक पॉइंट पे जो डिसीजन लेना है वोटिंग का फॉर्म भेजती है. इससे बढ़िया दुनिया में दूसरा कुछ और नहीं हो सकता. राइट. नॉट पॉसिबल. मुझे नहीं लगता कि अभी आज के डेट में इससे बढ़िया प्रोजेक्ट दुनिया में कुछ है. इतने बढ़िया लोग कहीं और है. इतना बढ़िया मैनेजमेंट कहीं और है. More than 60% of gold extraction पे इनका कंट्रोल है. दे आर डूइंग मेटल्स. दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. एडुकेफे API ये जो बिजनेसेस शो कर रहे हैं ये इस ऑल दीज थिंग्स आर मार्वेलस. इसमें नेगेटिविटी का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता. इवोसेंट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट. इवोसेंट डे वन से प्रॉफिटेबल फैशन एंड डिजाइनिंग की दुनिया से. मैं आप लीडर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे से जब भी ये मीटिंग हो जब भी मीटिंग ले एक मीटिंग व्हाट इज नए लोगों को ऐड कराने का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. मैं जरूर 2-4 लोगों को ऐड कराऊंगा. अब मैं एक बार चाहूंगा कि आप पुराने से व्हाट इज द प्रोजेक्ट ये एक टॉपिक बोलने के बाद फिर बाकी दूसरी चीजें बोली जाए. आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया था. अनफॉर्चुनेटली जर्नी में था वो मुझे स्टार्टिंग में क्या बोला गया मुझे मालूम नहीं. लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे से हर मीटिंग में पहला 5 मिनट तो प्रोजेक्ट के बारे में 10 मिनट जरूर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. यस. उसके बाद बाकी बात देखिए. नेगेटिव तो लोग रहेंगे. CRU को लोग पागल होकर बेच रहे हैं जिसको बहुत सस्ते में मिल गया जिसकी कुछ भी कैपेसिटी नहीं है पैसा सस्टेन करने की वो लोग बेच रहे हैं. वो भूल है. वो बाद में पछताएंगे वो तो. लेकिन फिर भी आप लीडर्स जो स्टेप आप लोगों ने उठाया उसको सैल्यूट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू सर अविनाश. थैंक यू सर गोविंद जी. थैंक यू सर. क्वेश्चन है तो बोलिए नहीं तो फिर इस मीटिंग को जो है. थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए. मैं भी अपना तरफ से कुछ राय रखना चाहता हूं सर आप सभी के लिए. ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे अनम्यूट किए. सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहता हूं. आप सभी ने बहुत अच्छा से जो भी हमारा लेटेस्ट अपडेट है उसको शेयर किया हम सबके बीच में बहुत अच्छा लगा. ठीक है. लेकिन मैं पर्सनली जो थोड़ा सा बहुत स्टडी किया हूँ अभी तक जैसे कि हम 2021 तक हम लोग बहुत पीछे थे. अभी जैसे 2022 आया जनवरी से अरमोन सर इतना स्पीडली काम कर रहे हैं हम सबके लिए. एक के बाद एक हर महीना एक ना एक एक्सचेंज में आ ही रहा है और भी बहुत सारे एक्सचेंज के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है. अभी जैसे कल तक हमारे साथ पार्टनर नहीं थे. ठीक है. आज हमारे साथ पहला पार्टनर तो लोकल ट्रेड बन गया है. मतलब उसका कम्युनिटी भी हमारे साथ है. ठीक है. ऊपर से जो लोग उनके कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं LTT टोकन बाय कर रहे हैं तो हमारा CRU एज ए स्टेकिंग रिवार्ड उनको मिल रहा है. मतलब हमारा CRU कहीं ना कहीं सप्लाई धीरे धीरे कम होते जा रहा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होते जा रहा. आज हमारे साथ बॉब कॉइन भी आ चुका है जो कि हमारा कंपनी का पार्टनर. तो आने वाला दिन में ऐसा बहुत कंपनी हमारे साथ होगा सर जो कि सफल कंपनी रहेंगे. जैसे कि लोकल ट्रेड ऑलरेडी सफल है. एल बैंक ऑलरेडी सर सफल है. आप जानते हैं कि नहीं सर एल बैंक का भी कॉइन है अपना जिसका वैल्यू शायद 0.02. ओके. जिसका सप्लाई है 2 बिलियन.
ये एक सफल प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इसका प्राइस नीचे क्यों है सर? इसका तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है। तो मैटर ये नहीं है प्राइस, प्राइस अगर आपका प्रोजेक्ट सही है प्राइस तो एक दिन जाएगा ही। आज कम्युनिटी के लोग क्या है, हमारे कम्युनिटी के लोग समझने नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोगों ने 2-3 साल इसको वेट किए हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जब हमारे बाहर के कम्युनिटी आने लगेंगे इसको, तो हमारा शेयर तो अब जाएगा ही जाएगा। तो अभी जैसे हमने हिसाब लगा रहा था एक छोटा सा, जैसे हमारा लोकल ट्रेड बोलिए, एल बैंक बोलिए, इंडोक्स बोलिए, यूनिटेक्स, बहुत कम सप्लाई गिरा हुआ है, देखा जाए तो 2 मिलियन बहुत ही कम है। ठीक है, तो जैसे हमारा और एक दो एक्सचेंज के बाद कॉइन मार्केट कैप में आ जाएगा, उसके बाद कंपनी जिस लेवल में अपना एडवर्टाइजमेंट चालू करेगा, मेरे को लग रहा है उसके बाद बहुत जबरदस्त रिजल्ट होने वाला है। कंपनी खाली कॉइन मार्केट कैप तक ही इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही शायद बहुत बड़ा लेवल में एडवर्टाइजमेंट करेगा। क्योंकि देखिए अभी हम लोग एक दो प्लेटफॉर्म में है, एडवर्टाइज करेंगे भी तो छोटा सा कम्युनिटी हमारे साथ आएगा और इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा होगा। कंपनी ये सोच रहा है कि हम लोग बड़ा लेवल में जाके इन्वेस्टमेंट चालू करें 2-4 एक्सचेंज में आने के बाद, उसके बाद शायद हम लोग बहुत बड़ा नेक्स्ट लेवल में जंप कर पाएंगे। और देखिए एक सफल आदमी का साथ, जैसे कि आज शायद हम लोगों ने बहुत, हमारे कम्युनिटी के लोग सोच रहे हैं कि हमारा WSR को कुछ सस्पेंड किया गया है, कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आज हमारे साथ सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ठीक है, तो हमारे कम्युनिटी के साथ क्यों कॉर्पोरेशन बना रहा? कल को अगर हम किसी तरह से फेलियर हो जाए तो हमारे साथ तो मतलब बॉब 100% जो सक्सेस प्रोजेक्ट वो भी फेलियर होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि हम बॉब कॉइन प्लस लोकल ट्रेड प्लस WCRO तीनों एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट बना चुके हैं। तो जब हमारे साथ इतने सारे कॉर्पोरेट बना रहे हैं तो क्या वो लोग रिस्क में आना चाहेंगे? कभी कभी नहीं सर, मेरा सोच ये कहता है। तो सफल आदमी जब हमारे साथ आ रहे हैं तो जरूर हम लोगों नेक्स्ट लेवल बहुत अच्छा हमारा होने वाला है 2002। अगर हम लोगों 2-3 महीना अगर पैसेंस दिखाए और अपना ऑर्डर को प्लेस करे एक अच्छा प्राइस में, ठीक है, मिनिमम $1-2 सभी को ट्रेड कीजिए, मना नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्राइस डालिए जिससे आपका एसेट का सही वैल्यू मिले, कल को आपको पछतावा ना हो। अगर सबको अपना ऑर्डर को प्लेस जो किए हैं उसको खाली चेंज कर दे, $1-2 लगा दे, तो ये प्राइस उठने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और अपना शेयर एसेट को संभालिए, ये एसेट को आने वाला दिन में आप लोगों नहीं बाय कर पाएंगे। और ठीक है, थैंक यू सर मुझे इतना कुछ बोलने का मौका देने के लिए सर, और ऐसे ही अगर प्रोग्राम होते रहे हम सबको बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। आप सबसे अनुरोध है सर ऐसा रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। तो आई थिंक आज का मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। यस रत्नाकर सर, आप जो है उसको आगे बढ़ाएं और